गाइस, आज बहुत दिन के बाद ऐसे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले तो राम राम भाई सभी को। मेरा नाम अनुज कैरत एंड वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो। सो अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एविएशन से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। व्लॉग्स हो गए, एविएशन से रिलेटेड वीडियोस हो गए, डेली लाइफ हो गई मेरी, वो दिखाता हूँ इस चैनल पर। और मैं पायलट ट्रेनिंग कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग से। करंटली वर्किंग ऑन माई कमर्शियल पायलट लाइसेंस। सो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो का टॉपिक होगा वो आपका होगा कि लॉग बुक जो होती है आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग में काम आती है, आपको पता है उसमें आपके जितने भी आर्ट्स हैं वो आप फिल करते हो, तो उसको कैसे फिल करना है और कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि देखो, मैं स्टार्टिंग में मैंने लॉग बुक बनाई थी, वो मेरी ये लॉग बुक थी, ठीक है, ये लॉग बुक होगी। उसके बाद इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई जिससे मेरे को एक नई लॉग बुक लेनी पड़ी। उसमें क्या क्या मिस्टेक हैं वो आप ना करो, उस चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। आप इन बातों का ध्यान रखो। अगर साउथ अफ्रीका भी आ रहे हो तो पहली बात ये बताना चाहूँगा कि जो साउथ अफ्रीकन लॉग बुक है वो इंडिया में वैलिड है। सो आपको इंडिया से लॉग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो पैसे वेस्ट मत करना। साउथ अफ्रीका आओगे, जो लॉग बुक आप स्कूल से लोगे या फिर शॉप से लोगे यहीं पे पायलट शॉप से, वही लॉग बुक आपके इंडिया में वैलिड है, ठीक है। सो इसमें जो मिस्टेक्स हुई उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन एक चीज़ है, जैसे ये आपको दिखेगा लॉग बुक समरी ऑफ प्रीवियस फ्लाइंग सबसे फर्स्ट पेज पर। यह अगर कोई प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल सी बात आ जाएगा कि नो प्रीवियस फ्लाइंग एक्सपीरियंस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे। अभी जो मेरी नई लॉग बुक है ये वाली है, तो आप नेक्स्ट पेज से जैसे स्टार्ट करोगे तो हर एक लॉग बुक में सेम लेआउट मिलेगा। थोड़े बहुत कॉलम अलग जगह हो सकते हैं, अगर दूसरी कंट्री में दूसरी जगह हो सकते हैं, बस इतना ही फर्क है, लेकिन जो लेआउट है ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करके आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो डेट है, टाइप है, रजिस्ट्रेशन हो गया, पायलट इन कमांड, डेट ऑफ फ्लाइट एंट्री मार्क्स हो गया, और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, डे में कितना फ्लाई किया, नाइट में कितना फ्लाई किया, कितनी लैंडिंग्स हैं डे में, नाइट में कितनी लैंडिंग्स हैं, तो ये सब आ जाएगा। दूसरी बात, जब आप फ्लाइंग स्कूल्स में जाते हो, स्टार्ट करते हो, तो फ्लाइंग स्कूल्स आपको वही बात है कि बताता है कि आपको फिल कैसे करनी है, ठीक है। सो टाइम टू टाइम ड्यूअल चेक्स और जो भी आपके, जैसे मान लो सोलो हो गया, इनिशियल सोलो हो गया, आपका पीपीएल टेस्ट हो गया, इन सब की स्टाम्प भी स्कूल लगाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टाम्प तो लगेंगे, ये बात होगी। और जैसे साउथ अफ्रीका में क्या है, आई डोंट नो अबाउट यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें ऐसा करते हैं ना, बट साउथ अफ्रीका में ये जैसे कि आपका स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लॉग बुक समरी है ना, पेपर पे पेस्ट करके फिर पेस्ट करते हैं, मतलब कि पेपर पे राइट करके या फिर प्रिंट आउट निकलवा के पेपर पे लॉग बुक में पेस्ट कर देते हैं, जो कि इंडिया में वैलिड नहीं बोलते हैं। क्योंकि अभी लक्ष्य गया होता है, लक्ष्य से भी मैंने पूछा, मैंने बात की, तो उसने बोला कि अनुज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये चीज़ें, बाद में इशू होता है डीजीसी में जब आपकी लॉग बुक जाती है। सो जो आपका समरी है ना, उसको आप खुद से लिखना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि समरी आप कैसे लिख सकते हो, ये समरी है, और समरी कब कब लिखनी होती है तो इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे आपका मान लो कि पीपल हो गया, ठीक है, पीपल के टाइम पे आपको जितने आवर्स फ्लाई किया उसकी समरी लिखोगे पूरा। उसके बाद आता है नाइट रेटिंग, आ गया नाइट रेटिंग समरी लिखोगे। मान लो इस टाइम पे आपका जैसे ही एक साल हो जाता है तो वन ईयर की समरी भी आपको आपकी लॉग बुक में लिखनी होती है, और वो खुद से सर्टिफाई कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे कि ऐसे आपको बना सकते हो, ठीक है, आसान है, खुद से बनाओ, पेपर पेस्ट मत करो। और अब मैं बात करूँगा जो वो है कि बेसिकली हम गलतियाँ बहुत करते हैं भाई, इंसान है तो गलतियाँ भी होंगी, आपको पता है, तो उन गलतियों को भाई ऐसे ही बेवकूफ़ी में और ज़्यादा ना बढ़ा के उनको कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। दो तीन चीज़ें, देखो सबसे पहले तो आप वाइटनर यूज़ मत करो अपनी लॉग बुक में, कभी भी वाइटनर यूज़ मत करो। दूसरा, लॉग बुक जब भी मतलब कि फिल करो, थोड़ी देर बैठे हो पहले, आपको देखो टाइम क्या है, डेट क्या है, किस दिन आपने फ्लाई किया, मतलब कि डेट वगैरह लिखोगे, एयरक्राफ्ट कौन सा था, उसका रजिस्ट्रेशन लिखोगे, कितनी आवर्स फ्लाई किया, कितनी लैंडिंग्स की, तो इन बातों का ध्यान रखना। और कॉलम चेक करना कि कौन से कॉलम में आपको फिल करना है, और तभी आराम से बैठ के तब लिखना, क्योंकि कई बार क्या होता है हड़बड़ाहट में है ना, हम गलतियाँ कर ही देते हैं, या तो डेट गलत हो जाएगी या एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम फिल करोगे तो गलती होना बहुत कम है, और अगर थोड़े टाइम के बाद मान लो कि चार पाँच फ्लाइट कर लिया आपने, फिर फिल कर रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है कई बार आपका
जो डेट है वो गलत हो जाती है, लैंडिंग्स कितनी की आपने वो गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना कि टाइम टू टाइम अपनी लॉग बुक फिल करना, ये नहीं कि आप 5-6 फ्लाइट कर ली फिर फिल कर रहे हो लॉग बुक को, तो उसमें थोड़ी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कई बच्चे क्या करते हैं भाई, साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है, तो जैसे गलती हो जाती है तो उतने ही साइज़ का पेपर कट करके पीछे वाले पेज से लॉग बुक में, मतलब जो पता उनको इतने यूज़ नहीं होने हैं, तो मान लो कि एक कॉलम में मिस्टेक हुई उनसे, तो वो कॉलम का उतने ही साइज़ का पेपर कट करके वो है ना उसके ऊपर चिपका देते हैं। मैंने भी किया था मेरी पुरानी लॉग बुक में, लेकिन भाई ये चीज़ मत यूज़ करना, ठीक है। अगर गलती भी हो जाती है ना, आप एक लाइन मार देना उस पर छोटा सा नीट एंड क्लीन लाइन से कट करके उसको रिमार्क्स में PIC लिख के आपके सिग्नेचर कर देना, और जो आपको वहाँ पे लिखना लाइन कट करके उसके आगे वो जो करेक्ट है आपके कितने आर्स हैं वो लिख सकते हो। गलती भी होती है तो पता लग जाएगा कि हाँ इससे ये मिस्टेक हुई है और इसने यहाँ पे ये सिग्नेचर करके, मतलब कि ये खुद से ऑथराइज़ कर रहा है कि ठीक हो गया चीज़, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें साथ साथ में आ रही हैं, आप देख रहे हो, तो ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे करना, और पेपर कट बिल्कुल मत करना और यूज़ कट करके, एंड जो मैंने बताया समरी के लिए वो भी आप प्रिंट आउट निकलवा के पेपर पे पेस्ट मत करना भाई अपनी लॉग बुक में। ये सब चीज़ें हैं लॉग बुक के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि यही आगे जाके आपके बहुत काम आने वाली है। अगर DGCA ने आपकी लॉग बुक रिजेक्ट कर दी ना बाद में, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, आपको फिर से घूमना पड़ेगा साउथ अफ्रीकन तो सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनसे बहुत सारे पेपर लेने पड़ेंगे, वो जाकर DGCA सबमिट कराने पड़ेंगे कि आपने इतने आज फ्लाई किया है, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका टाइम बचे और इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और अगर कुछ भी बात पूछनी हो तो नीचे जाके कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। और वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, आई नो ये वीडियो बहुत टाइम की बात आ रही है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल रहा था। आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीकन सीरीज़ आ रही थी, उसके बाद ख़त्म हुई जैसे जैसे, तो वीडियोज लेके आ ही रहा हूँ मैं। सो हाँ, वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बता देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और फ्लाई सेफ, हैप्पी लैंडिंग्स, वंदे मातरम, जय हिंद।